अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बहुत ही खूबसूरत और जेन्युइन कैरी डब्बा लेकर आए हैं। सुजुकी बोलान कैरी डब्बा है ये, हम आपके लिए लेकर आए हैं। जेन्युइन है, 100% जेन्युइन बताया जा रहा है अंदर बाहर से, और कीमत भी इंतहाई नॉर्मल बताई जा रही है। इसकी जो पोजीशन है, ये मॉडल 2006 है और नंबर इसका है कितना, लाहौर का नंबर है। इसकी जो सूरत हाल है अंदर बाहर से 100% जेन्युइन सूरत हाल बताई जा रही है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, सारी इसकी कंडीशन भी दिखाते हैं, अंदर से दिखाते हैं कि अंदर से इसकी क्या सूरत हाल है। आप देखिए, अगर आप समझदार हैं, पहले गाड़ी कैरी डब्बा आप रखते हैं, तो आपको यकीनन पता होगा कि इसकी सीलें कैसी आपको नज़र आ रही है और इसकी पोजीशन कैसी नज़र आ रही है। ये कैरी डब्बा है, इसका डैशबोर्ड देखें तो डैशबोर्ड भी तकरीबन जेन्युइन ही है। तकरीबन क्या, 100% जेन्युइन कहा गया है, तो ये यकीनन जेन्युइन ही है। मीटर आप इसका देख सकते हैं, मीटर भी आपको रिव्यू करा रहे हैं। इसके अलावा स्टेयरिंग भी खूबसूरत है। सीटों की सूरत हाल की बात करें तो अंदर सीटें भी इंतहाई खूबसूरत बनाई गई हैं, डेकोरेट किया गया है सीटों को, इंतहाई अच्छी कवर इसके लगाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरती से अंदर से सजाए भी गए हैं सीटों को। अंदर की सीटें आप देखें तो ये सीटें हैं, बहुत खूबसूरत सीटें हैं और बहुत ही पुरसकून कैरी डब्बा है। अंदर बाहर से जेन्युइन बताया जा रहा है। आप अंदर की सूरत हाल भी देख सकते हैं और बाहर की सूरत हाल भी हम आपको दिखाते हैं। इंजन के हवाले से कहा जा रहा है कि तकरीबन इंजन के हवाले से भी 80 से 90% इसकी पोजीशन ओके है। अच्छा, तो टायरों की तरफ आए तो टायर भी 70 से 80% तकरीबन है। अच्छा, इसके अलायरम लगे हुए हैं, ये भी हम आपको बताते चलें कि इसके अलायरम लगे हुए हैं। नॉर्मल सादा इसके व्हील नहीं है बल्कि अलायरम लगे हुए हैं, और टायरों की जो सूरत हाल है तकरीबन 80% है। हम आपको इसके टायर दिखा रहे हैं, टायरों की सूरत हाल आप देख सकते हैं, 80% इसके टायरों की सूरत हाल है। अलायरम टायर हैं और 80% इसके टायरों की सूरत हाल है। अब हम इसके अंदर की पोजीशन दिखाते हैं और बाद में फिर इसका मजीद भी रिव्यू कराते हैं। अच्छा, माशाल्लाह इसकी सीटें देखें तो बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट की गई हैं, बहुत ही आरामदेह इसकी जो सीटें हैं, इंतहाई आरामदेह हैं, और दो ही सीटें अंदर बैक पे इसकी लगी हुई हैं। स्पीकर भी मेरे ख्याल में इसके मौजूद हैं, क्योंकि स्पीकर की जगह है तो यकीनन इसके नीचे स्पीकर भी होंगे। तो इसका अंदर से भी आप रिव्यू देख सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है। अच्छा, इसका थोड़ा सा हम छत का भी आपको रिव्यू करा देते हैं कि छत की क्या सूरत हाल है। ये आप छत भी इसका देख सकते हैं, तकरीबन ये 100% हमें जेन्युइन बताया गया है कि ये 100% जेन्युइन है। ये बैक से हम आपको इसका रिव्यू करा रहे हैं, इसका जो कैरी डब्बे की जो सूरत हाल है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, सीएनजी लगी हुई है, सीएनजी है ना, सीएनजी लगी हुई है, पेट्रोल पे चलाएं या आप सीएनजी पे चलाएं, दोनों चीज़ों पे चला सकते हैं। स्पीकर मौजूद हैं, स्पीकर भी लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से आप लुक देख सकते हैं अंदर की, तो ये कैरी डब्बा है, सीएनजी की सहूलत भी इसमें मौजूद है। बाकी सीलें इसकी आप खुद देख सकते हैं और आप खुद समझदार हैं कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, ये कैरी डब्बा, अब इसकी कीमत की प्राइस की बात करते हैं। आपको हमने मुकम्मल इसका रिव्यू करा दिया, तो अब थोड़ा सा इसकी कीमत के हवाले से बात करेंगे। 2006 मॉडल है और नंबर लाहौर में, 2006 मॉडल है, नंबर इसका लाहौर का है, और इसकी फाइनल जो प्राइस है, इसकी जो फाइनल प्राइस है 5.5 लाख बताई गई है। 5.5 लाख में आप ये कैरी डब्बा खरीद सकते हैं, फुल जेन्युइन है, 2006 मॉडल है, लाहौर का नंबर है, और 5.5 लाख इसकी कीमत बताई गई है। फुल जेन्युइन, 100% जेन्युइन बताया गया है। अलायरम टायर लगे हुए हैं, गैस सीएनजी गैस भी लगी हुई है, आप पेट्रोल या सीएनजी पे भी चला सकते हैं। तो ये हमने एक रिव्यू कराया कैरी डब्बे का, इसी के साथ
इजाजत से पहले हमारी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे YouTube चैनल व्हील को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ घंटी के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हर फॉर सेल गाड़ियों के बारे में वीडियोस जो भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन फौरी आपको मिल जाए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।